अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहसे भाषमी और ये है टोयोटा कैमरी हाइब्रिड 2.5 हाई ग्रेड 2020 मॉडल। ये टोयोटा कैमरी की 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2018 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया 2020 में। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जिसमें इस गाड़ी की लुक को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया गया है। इसके बम्पर में बहुत सारी ये लाइन कट्स एंड कर्व्स दे दिए गए हैं और इसके अलावा बम्पर भी इस गाड़ी का डुअल कॉम्बिनेशन में है टोयोटा की मोस्टली कार्स की तरह। इसके बीच में काफी बड़ा एक्स वाला पोर्शन आ गया है, ये सारी डिटेल्स मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के मोटे मोटे फीचर्स की तो ये गाड़ी 2.5 हाइब्रिड इंजन के साथ आती है जो कि टोयोटा होने की वजह से ड्यूरेबल भी काफी है और आपको एवरेज भी काफी अच्छी देगा और ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से भी अपनी वैल्यू जस्टिफाई करती है। कैमरी बेसिकली क्रोला और क्राउन की बीच की चीज है। ये गाड़ी क्रोला वाली एवरेज के साथ साथ क्राउन वाली लग्जरी भी ऑफर करती है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 2,35,00,000 रुपए है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHA2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड स्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, कलर्ड PPF, ग्रेफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। अब 2018 वाली कैमरी को इस शेप में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कैमरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी क्राउन और क्रोला का मिक्स एंड मैच है। इस तरह से इसमें जो ओवरऑल फ्रंट की लुक रखी गई है वो नई जनरेशन की क्रोला जैसी रखी गई है। वो गाड़ी पाकिस्तान में नहीं आई लेकिन मोर और लेस उसकी लुक भी काफी हद तक ऐसी ही है और उसके अलावा साइज के लिहाज से ये गाड़ी क्राउन के आसपास ही जाती है। ये गाड़ी एक प्रॉपर डी सेगमेंट के सेडान है। कैमरी शुरू से इतनी बड़ी नहीं होती थी लेकिन इसकी जब 8 जनरेशन गुजर गई तो उसके बाद होते होते ये गाड़ी साइज में इतनी बड़ी हो गई। ये प्रॉपर एक डी सेगमेंट की सेडान है और कंपटीशन के लिहाज से इस गाड़ी का कंपटीशन BMW की 5 सीरीज या 3 सीरीज बनती है या मर्सिडीज की ई क्लास बनती है। ये गाड़ी हाइब्रिड है और उन दोनों से बहुत जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करती है और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो ये गाड़ी बिकती भी फौरन है और ड्यूरेबल भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये इस गाड़ी के कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि आपको कन्विंस कर सकते हैं। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट लुक इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी एग्रेसिव है। इसके बम्पर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं टोयोटा ने और इसमें एक ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है जैसा कि टोयोटा अपनी मोस्टली कार्स में ऑफर करता है। अगर आप लेटेस्ट एक्वा देखें, विट्स देखें, क्रोला देखें, जो मर्जी कार देखें उनमें ऐसा ही ब्लैक पोर्शन आता होता है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। और अब इसको डिस्टिंग्विश करना काफी आसान हो गया है कि ये गाड़ी एक टोयोटा फैमिली की कार है। इसके अलावा ऐसी ही हेडलाइट्स इसके प्री फेसलिफ्ट वर्जन में भी आती थी, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है और आप वो रिव्यू मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी हेडलाइट इस गाड़ी की बैकग्राउंड वाली है, इसमें ये 3 LED DRL दी गई हैं जो कि इसके लुक को काफी मजेदार बना रही हैं और इसके अलावा इसके फ्रंट पे टोयोटा का बैच दिया गया है जिसमें ब्लू कलर की लाइनिंग आती है। ये बेसिकली इंडिकेट करती है कि ये कार हाइब्रिड है और ये बैच प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार के सेंसर्स भी आते हैं। इसके अलावा बोनट के अंदर इसके काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं। ये गाड़ी फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसकी फॉग लैंप भी LED में आती हैं। नीचे एक ये डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है और इसके अलावा इसमें ऊपर भी कुछ सेंसर्स आते हैं जो कि इसके इंटीरियर में बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के वाइपर्स की तो ये रेन सेंसिंग है यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ तो होंगे ही लेकिन और ये अपनी स्पीड को कम या ज्यादा भी करेंगे और इसके अलावा इस गाड़ी में हेडलाइट भी ऑटोमेटिक आती है, ऑटो लेवलिंग वाली भी और ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ भी होती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक के लिहाज से काफी डिसेंट है। बाहर से इस गाड़ी का इंप्रेशन बहुत बड़ा आता है, इंटीरियर में ये गाड़ी की बहुत ज्यादा खुली नहीं है लेकिन लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में इस गाड़ी के पूरे नंबर हैं। इस पे साथ ये बैजिंग दी गई है हाइब्रिड की जो कि शो करवाते हैं कि कार हाइब्रिड इंजन के साथ है और इसमें कैरेक्टर लाइंस भी काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है साइड पे। एक कैरेक्टर लाइन फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती है इसकी और इसके अलावा इसमें फीचर्स भी काफी डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी हैं, इनमें पेडल लैंप भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं। इस कैटेगरी की कार के लिए मेरे ख्याल से अच्छे खासे फीचर्स हैं और इसके अलावा इस गाड़ी की जो विंडोज हैं ये भी LC 300 जैसी हैं। इसका जो साइड मिरर है ये डोर के अंदर माउंटेड है और विंडोज भी फ्रंट पे आके बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर बड़ा सारा बॉर्डर नहीं दिया गया जैसे मोस्टली कार्स में आता है तो ये मेरे ख्याल से एक डिस्टिंक्टिव लुक है और इसको काफी अच्छी लुक दे रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये एयरप्रेस भी कंपनी स्टैंडर्ड आए हुए हैं, इनके ऊपर ये एल्युमिनियम की फिल्म कंटिन्यू करती है और इसके अलावा इसमें जो डोर्स हैं ये भी सॉफ्ट अनलॉक वाले हैं। अब इस गाड़ी को यहीं से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और इसके अलावा डोर पैनल है भी काफी मैसिव। डेफिनेटली ये गाड़ी डी सेगमेंट की सेडान है। इसमें एंट्री और एग्जिट काफी आसान है लेकिन इसमें बैठने के लिए आपको काफी नीचे तक बैठना पड़ता है। डेफिनेटली ये गाड़ी क्योंकि एक सेडान है और एक लो कार है तो इसमें बैठना आसान है लेकिन निकलना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप 40-50 प्लस हैं। इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है तो इसकी लुक में एक और अच्छा टच ऐड कर रही है। इसके फंक्शनल पर्पसेस भी हैं जो कि डेफिनेटली मैं अंदर कवर करूंगा अभी और फिर ये साइड कट्स दी गई हैं जो कि काफी यूनिक सी हैं लुक्स के लिहाज से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की जिसमें यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है, फ्यूल टैंक की गाड़ी सिर्फ 50 लीटर का ऑफर करती है हालांकि सिर्फ एक एक्स में भी 55 लीटर का आता है।
टोयोटा ने इतनी बड़ी कार में इतने बड़े इंजन के साथ इतना सा टैंक इसलिए दिया है कि ये गाड़ी आपको एवरेज काफी अच्छी देती है। खैर ये आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 500 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है। और इसके अलावा इसमें रिम भी 18 इंच के हैं, टायर्स में ब्रिजस्टोन का लगा हुआ है, लेकिन रिम की लुक्स मोर और लेस ग्रैंडी जैसी हैं। मेरे ख्याल से इसकी लुक थोड़ी डिस्टिंक्टिव हो सकती थी, बट स्टिल नॉनदरेस ये भी अच्छे हैं। इसके अलावा बैक पे इसमें फ्री सॉफ्ट एंटीना आता है, रियर विंडोज गाड़ी की प्राइवेसी वाली आती हैं, और इसकी रियर विंडशील्ड का जो यहाँ पे कट है ये भी काफी डिस्टिंक्टिव है, आपको ऐसे कट किसी और कार में देखने को नहीं मिलेंगे, इसकी लुक काफी यूनिक सी है। इसके अलावा इसके बंपर में अगेन फेसलिफ्ट के बाद एक ये फेक एयरवेंट ऐड कर दिया गया, आई डोंट नो इसका क्या पर्पस है, बस ये लुक को ही थोड़ा बेहतर बना रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये नाइट किया गया होता तो ज्यादा बेहतर था। और अगर बात की गाड़ी के रियर एंड की तो ये लिटरली किसी फिश जैसा लगता है। खैर टेलर इस गाड़ी में लुक्स के लिहाज से काफी मजेदार है, ये लिटरली एक हाई टर्नर है, आपको बैक से ये गाड़ी लगेगा नहीं कि कोई टोयोटा की कार है, कि प्रॉपर एक जैगुआर वगैरह लगती है। खैर टेलर में इसके क्रोम काफी सारा दिया गया है जो कि एंड कंटिन्यू करता है, टोयोटा मोस्टली कार्स में अपनी फेसलिफ्ट के बाद से क्रोम बहुत ज्यादा कर देते हैं, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। फिर इसके अलावा इसमें ये फ्रंट सेट की भी है क्योंकि गाड़ी टीआरडी पैकेज है, और इसमें फिर ये बैक पे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स दिए गए हैं कैमरी की बैचिंग के, अगेन बैक पे भी इसमें हाइब्रिड की बैचिंग आती है और टोयोटा के साइन के अंदर ब्लू कलर की लाइंस आती हैं। इसमें फिर ये डक्ट स्पॉइलर भी आया हुआ है कंपनी से ही, और इसमें रियर बम्पर भी थोड़ा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार क्योंकि गाड़ी टीआरडी पैकेज है। फिर इसमें डुअल एग्जॉस्ट है और ट्रंक ओपन करने के लिए एक नीचे यहाँ पर रिलीज किया गया है जिससे आप इसको मैनुअली ओपन कर सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, बैक पे आप 5-6 लोगों का लगेज काफी आसानी से रख सकते हैं। इसकी ट्रंक के अंदर एक कंपनी की तरफ से लिड आती है कैमरी की जो कि प्लास्टिक की लिड है और काफी प्रीमियम है, और इसमें रियर बेंचेस भी 60-40 फीट के साथ आते हैं। इनको अनलॉक करने के लिए ये नीचे यहाँ पे पुल टैब दिए गए हैं जिससे मैं इनको इस तरह से अनलॉक करके फोल्ड कर सकता हूँ यहीं से ही, और इसके अलावा नीचे देखिए लिफ्ट को उठा के मैं इस गाड़ी के टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता क्योंकि गाड़ी हाइब्रिड है, ये बेसिकली इन्फ्लेटर किट ऑफर करती है। इसके अलावा ट्रंक के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है, ट्रंक इस गाड़ी का काफी वेल कवर्ड है, और इसके अलावा बैक पे गाड़ी सिर्फ एक रियर कैमरा ऑफर करती है फीचर्स के नाम पे और पार्किंग सेंसर्स, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो मेरे ख्याल से लिटरली इस गाड़ी का इंटीरियर टोयोटा के सेडान्स में सबसे ज्यादा बेस्ट है। मेरी ओपिनियन में ये इंटीरियर क्राउन से भी बेहतर है, लेकिन हर किसी अपनी ओपिनियन होती है। आई गेस ये इंटीरियर अगर क्राउन में आता और क्राउन का इंटीरियर यहाँ पे आता तो ज्यादा बेहतर था। खैर ये गाड़ी इंटीरियर के लिहाज से बहुत लग्जूरियस है और इसमें ट्रिम्स भी काफी अच्छी यूज की गई हैं, बोर्ड डैशबोर्ड में भी और सीट्स वगैरह में भी। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का यूनिक है, ऐसा स्टीयरिंग व्हील मेरे ख्याल से मैंने किसी और कार में नहीं देखा टोयोटा की। अगर बात की जाए लेफ्ट स्पोक की तो यहाँ पे मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके क्रूज के हैं, क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडॉप्टिव ऑफर करती है, यानी कि ये गाड़ी अगली गाड़ी के लिहाज से अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करेगी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसा कि लेन डिपार्चर असिस्ट वगैरह के। लेट्स पुक दिए गए स्क्रॉलर व्हील से मैं इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ, और इसके अलावा इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। हाईलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है, वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सा है। इसमें दो मिनट डायल दिए गए हैं, लेफ्ट पे जो डायल है ये आपको इसकी हाइब्रिड की स्टेट्स शो करवाता है, राइट पे जो डायल है ये इसका स्पीडोमीटर है, और ये गाड़ी स्पीड लिमिट 180 तक शो करती है। इसके बाद गाड़ी लॉक हो जाती है, आप इसका लिमिटर रिमूव करवा सकते हैं लेकिन कंपनी से इसमें लिमिटेड आता है। खैर उसके अलावा यहीं पे नीचे हीट का गेज और फ्यूल का गेज दिया हुआ है, और सेंटर में फिर इसका एक एमआई डिस्प्ले दिया गया है। ये आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीजें शो करवाता है जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, रडार के स्टैट्स, और इसके अलावा फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको इको स्कोर भी शो करवाती है। आप इसके सेंसर्स को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसा कि पार्किंग सेंसर्स को, रडार को, कोलिजन असिस्ट वगैरह को, लेन कीप असिस्ट को, बीएसएम को, इन सब चीज़ों को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिहाज से भी काफ़ी हाई क्वालिटी है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की तो ये सॉफ्ट पैडिंग की फिनिश में है, और इसके डैशबोर्ड की ओवरऑल प्रेजेंटेशन है ये काफ़ी प्रीमियम है। इसमें साउंड सिस्टम भी JBL का है, इसके आपको फ्रंट दोनों पिलर्स के अंदर JBL के ट्विटर्स नजर आएंगे, और बाय द वे JBL का साउंड सिस्टम भी अब टोयोटा की लेटेस्ट कार्स के अंदर ऑफर कर रही है। अगर आप LC 300 सीरीज देखें तो उसमें भी अब साउंड सिस्टम JBL का आता है, और ट्विटर की शेप भी ऐसी ही होती है। दिस कार इज नो डिफरेंट, इसमें स्पीकर भी काफ़ी सारे आते हैं, दो पिलर में ट्विटर्स दिए गए हैं, दो डैशबोर्ड में स्पीकर्स दिए गए हैं, दो डोर्स में दिए गए हैं, दो बैक पे स्पीकर्स दिए गए हैं डोर्स में, फिर ऊपर ट्विटर दिए गए हैं, और फिर बैक पे भी स्पीकर्स आते हैं, तो ये आपको एक काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देंगे। इसके अलावा डैशबोर्ड में स्पेसिफिक कार के इंटीरियर का कैम भी लगा हुआ है, इसमें डैश कैम आते हैं दो, एक बाहर का कैमरा एक अंदर का कैमरा, जो कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फीचर है ये हर टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड के बीच में 4 एयरबैग्स दिए गए हैं, और सेंटर में फिर एक पोर्शन दिया गया है जो कि ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है। कुछ गाड़ियों में ये वुड की ट्रिम में भी आता है, कुछ गाड़ियों में ये मेटालिक फिनिश में भी आता है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, ये भी काफ़ी डिसेंट लग रहा है। इसके जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये अगेन वैसी ही है जैसा कि टोयोटा की मोस्टली प्रीमियम कार्स में आ रही है, जैसा कि फॉर्च्यूनर GR हो गई, रेवो GR हो गई, या फिर थाईलैंड की मोस्टली कार्स हो गई, उनमें इस तरह की स्क्रीन आती है।
इसके आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं, रेड ऑन ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू ऑन ब्लैक कर सकते हैं, व्हाइट ऑन ब्लैक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें टोयोटा कनेक्ट भी आता है और एक गाड़ी आपको इस गाड़ी के स्टेट्स भी शो करवाती है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका आपको इसी स्क्रीन के अंदर शो होता है। और बाय द वे गाड़ी क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन ऑफर करती है। इसको ऑन करते ही गाड़ी ऑन हो जाती है। अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये गाड़ी ईवी पर चली जाएगी लाइक दिस। अभी आप साउंड सुनिएगा, ये गाड़ी अभी इंजन के बगैर खड़ी हुई है। क्लाइमेट कंट्रोल ऑन करूँगा तो ये गाड़ी अब इंजन पर आ गई है। इसी तरह गाड़ी को ऑन करने का एक और हैक ये है कि अगर आपने गाड़ी इको में रखी हुई है तो गाड़ी बंद ही रहेगी, लेकिन अगर आपने इसका इंजन ऑन करना है तो आप इसको स्पोर्ट मोड में कर दें। जैसे आप गाड़ी स्पोर्ट में करेंगे गाड़ी का इंजन ऑन हो जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर बैजिंग दी गई है JBL की और साथ कुछ फिजिकल बटन्स हैं। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका डिस्प्ले सेंटर में काफ़ी स्लीक सा दिया गया है और उसके अलावा इसके आसपास ये करेक्टर लाइन्स काफ़ी मजे की दी गई हैं। स्वीपिंग लाइन्स हैं यहाँ पर और उसके अलावा इसके लेफ्ट पर जो पैटर्न दिया गया है इसके नीचे एम्बियंट लाइटिंग आती है, ये भी आपको रात में काफ़ी अच्छी फील देगी इस गाड़ी की। इसके अलावा उससे नीचे फिर ये ट्रैवल कबाब अपडेट दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है यहाँ पे और इसका डिस्क का इंसर्ट दिया गया है। ये गाड़ी 20 मॉडल है बट स्टिल इसमें CD के लिए एक स्लॉट दिया गया है। मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी पहले ऑब्सोलीट हो गई थी बट टोयोटा ने अपनी कार्स में अभी तक कंटिन्यू रखी हुई है। इवन LC 300 में भी आप CD डाल सकते हैं। खैर उससे पीछे इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है, इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PR&D और D में करके आप इस गाड़ी को स्पोर्ट्स में करके मैनुअली चला सकते हैं लाइक दिस, यहाँ से भी और पैडल शिफ्टर से भी। फिर उसके अलावा इसके पीछे कुछ ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं जैसा कि इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड। फिर उसके पीछे एक ईवी मोड दिया गया है। ईवी मोड में आप इस गाड़ी को बेसिकली बैटरीज पर चला सकते हैं इंजन यूज़ किए बगैर। फिर पीछे पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और इसमें ब्रेक होल्ड भी आता है। साथ दो कप होल्डर्स दिए गए हैं और उसके पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी का अच्छा खासा स्पेशियस है, ये काफ़ी बड़ा सेंटर कंसोल है और साइड से कर्व हुआ हुआ है। ये लेदर की फिनिश में है और सेम लेदर इसका सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। सीट्स इस गाड़ी की काफ़ी प्रीमियम है और डुअल कॉम्बिनेशन में है सारा ही लेदर, लेकिन सेंटर में कोई एक पैटर्न दिया गया है जो कि इसको बेहतर फील दे रहा है और पैडिंग के लिहाज से भी ये सीट्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, ऐसी सीट्स भी किसी और छोटी कार में नहीं आती। इसके अलावा यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल्स के साइज के लिहाज से काफ़ी मैसिव हैं और इसमें सारी ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा आगे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि इसकी ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स के, ट्रैक्शन कंट्रोल के, रडार को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसका फ्यूल रोल खोल सकते हैं और इसका पोस्टर दिया गया है यहाँ पे। वैनिटी मेरी गाइड ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। और इसके अलावा एयरबैग भी इसमें पर 9 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और एक ड्राइवर के नी पे। इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। टोयोटा की ये पहली सेडान है जिसमें ये पैनोरामिक रूफ आना शुरू हुई है। क्रोला में नहीं आती, इसमें आती है और इसके बाद क्राउन में आती है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें फिर रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। बातों की बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की भी सीटिंग कैपेसिटी की थी, अभी बैक पर अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, क्योंकि गाड़ी एक प्रॉपर डी सेगमेंट की सेडान है। कॉम्पिटिशन इस गाड़ी का पाकिस्तान में सन्नाटा बनती है बट ये उससे ज़्यादा स्पेशियस है। इसके अलावा अगर बात कीजिए अमेनिटीज़ की तो ये भी अच्छी दी गई है बैक पे। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरमेट्स आते हैं सेंटर में भी और पाँव पे भी। फिर बैक पे 2 2.1 एम्पीयर के चार्जिंग आउटलेट्स किए गए हैं और इसके अलावा सेंटर में इसमें सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें बैक पे पैनोरामिक रूफ भी आती है, तो ये इसमें रेपेसेंस का रूम काफ़ी ब्राइट बनाती है और इसमें फिर ये LED लाइट्स दी गई हैं जो कि अगेन LC 300 सीरीज जैसी हैं। रेयर बेंचेस के 60-40 स्पीड के साथ हैं, इसमें फिर ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं और इसके अलावा फिर इसमें डोर्स में JBL के स्पीकर्स भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन गाड़ी 2500cc हाइब्रिड ऑफर करती है। ऐसे इंजन क्राउन में भी आता है और इसके अलावा टोयोटा की और भी बहुत सारी कार्स में आता है। ये इंजन 174 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 221 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर नहीं फील होने वाली और इसके अलावा ये गाड़ी एवरेज भी आपको काफ़ी अच्छी देगी। टोयोटा क्लेम करता है कि ये गाड़ी आपको 18 तक की एवरेज दे सकती है जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से काफ़ी अच्छी एवरेज है। ये एवरेज आपको वैसे वेट्स या यारिस वगैरह देती हैं, यारिस क्रॉस, और ये गाड़ी भी इतनी एवरेज देती है, मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये इंजन फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। इसमें ट्रांसमिशन जो है ये ECVT आती है। ट्रांसमिशन के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है और आप इस गाड़ी को प्योर इलेक्ट्रिक पे भी चला सकते हैं 20-30 किलोमीटर तक। इसके अलावा बोनट गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, बोनट के अंदर इंसुलेशन भी आती है। अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये गाड़ी ABS भी ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है, स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में APS आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, और इसके अलावा इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं जो कि इस गाड़ी की ड्राइविंग को और अच्छा बनाते हैं। फिर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और इस गाड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड एक बेस्ट सेलिंग कार रही है अपनी ड्यूरेबिलिटी और अपनी रीसेल वैल्यू के लिहाज से।
इस गाड़ी ने हाई स्कोर बनाया हुआ है गाड़ियों की कैटेगरी में। खैर इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो ऑफर करती है कैमरे, यह है 235, 45 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि मोर लेस कनाडा जैसा ही है, लेकिन स्टिल इसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है और लुक्स के लिहाज से ये उससे बहुत बेहतर लग रहा है। और इसमें डोर कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है क्लॉथ ब्लैक और एल्युमिनियम का। फिर इसके अलावा टायर हैवी ब्रिजस्टोन का जो कि अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसकी कंडीशन भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। इसके अलावा कैमरी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, इससे फ्रंट पे भी और बैक पे भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं। और इसके अलावा इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल भी, जो कि इसके राइड को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसकी बॉडी और टायर के बीच में कोई खास गैप है नहीं, तो इसकी लुक और बेहतर आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है जो कि लिटरली प्राडो की जैसी है। टोयोटा की और भी बहुत सारी कार्स में कीस आई हैं, जस्ट बैक पर बैजिंग चेंज होती है। CHR की भी मोर लेस ऐसी होती है, जस्ट इसमें ये नीचे लिखा हुआ है कि कैमरी, जो कि शो करवाता है कि ये कैमरी की चाबी है। और इसमें फिर ये बैजिंग दी गई है टोयोटा की, जिसके अंदर ब्लू लाइंस हैं, जो कि शो करवाता है कि किसी हाइब्रिड कार की चाबी है। इसके अलावा इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक लिया जाता है। ये गाड़ियाँ कोई हिडन फीचर्स ऑफर नहीं करती, इसको अगर आप अनलॉक करके अनलॉक दबा के रखेंगे तो इसकी विंडोज रोल डाउन नहीं होती। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।